कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से क्या निकला है, समाजवादी पार्टी 2024 के लिए कौन सी तैयारी में है, क्या सचमुच किसी थर्ड फ्रंट की कोई आहट है या फिर कांग्रेस को साथ नहीं रखने की कोई कवायद, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि आखिर अमेठी में क्या हो रहा है, क्यों अखिलेश यादव इस बार अमेठी का चुनाव चाहते हैं कि उनकी पार्टी अमेठी का चुनाव लड़े, और यह भी जानिए कि क्या राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के पिता ने आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की और क्या कहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोलकाता में समाजवादी पार्टी के 3 दिनों के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंथन से निकला क्या है। अखिलेश यादव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17, 18 और 19 तारीख को कोलकाता में हुई, और इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और मीटिंग के बाद एक बात साफ निकला और वो ये कि कांग्रेस पार्टी से कोई रिश्ता फिलहाल समाजवादी पार्टी नहीं बनाने जा रही। हालांकि खुलकर इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो बातें हुई या फिर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बातों ही बातों में कई बातों का जिक्र कर दिया, उससे ये बात साफ दिखाई दे रही। यही नहीं, जब कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में चल रही थी तभी ममता बनर्जी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ वो बयान दे डाला है। तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों की जो सियासी नजदीकी है वो किसी से छुपी नहीं है। माना यह जाता है कि अखिलेश यादव ममता बनर्जी की जो राजनीतिक लाइन है उसके साथ जाएंगे। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, उसके बाद से अखिलेश यादव की लाइन भी लगभग साफ होती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव चाहे अमेठी को ले लें या फिर राहुल गांधी या कांग्रेस, वो इशारों में लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं, और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक बात साफ कर दिया है कि फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन का या कांग्रेस के साथ जाने का कोई सवाल समाजवादी पार्टी का नहीं है। लेकिन इसके पीछे कि कहीं और कोई कहानी तो नहीं, जानकारों की माने तो अखिलेश यादव को लगता है कि जब 2024 का चुनाव आएगा तो उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव या सियासी दबाव होगा कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएं। यह दबाव सिर्फ वोट बैंक का नहीं होगा, ये दबाव सिर्फ कम्युनिटी का नहीं होगा, बल्कि देश भर के दूसरे विपक्षी नेताओं का भी यह दबाव होगा, और हो सकता है कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने की जो बड़ी कोशिश हो रही है उसमें अखिलेश यादव को भी कांग्रेस के साथ आना पड़े, और यही वो बात है जिसे लेकर इस वक्त से ही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल अखिलेश यादव कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अपनी दूरी साफ साफ बनाते दिख रहे हैं। बीजेपी से तो हमेशा से दूर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार इक्विडिस्टेंस बीजेपी और कांग्रेस के साथ हो रही है। तो क्या यह माना जाए कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आखिरी वक्त में किसी तरह का कोई दबाव आए तो सीटों को लेकर कोई समझौता हो, यानी कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना भी पड़ा तो फिर उनकी अपने शर्तों पर यह समझौता होगा, अगर अभी से कांग्रेस के साथ जाने का माहौल बनाएंगे तो फिर कांग्रेस उन पर सीटों का दबाव बना सकती है, और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस बार अमेठी का जिक्र भी कर दिया, अमेठी में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी का जिक्र भी कर दिया, अमेठी में चुनाव लड़ने का जिक्र भी कर दिया। तो क्या यह सचमुच कांग्रेस से उनकी दूरी है, कांग्रेस से उनकी तलखी है, या फिर 2024 के ग्रैंड विपक्षी अलायंस को देखते हुए सीटों को लेकर कोई एक माना जाए
कि उसके उसके पहले की तैयारी। जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव पहले से ही कांग्रेस पर दबाव बना देना चाहते हैं ताकि जब सीटों के लिए मेज पर बैठे तो सीटों का कम से कम दबाव। लेकिन तल्खी बढ़ी हुई है, क्या सचमुच कांग्रेस और सपा आएगी, इस पर बड़ा सवाल या निशान लगा हुआ है। और अब हम आपको आगे बताएंगे कि अमेठी की क्या है कहानी, देखते हैं। और अब बात अमेठी की, क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या समाजवादी पार्टी इस बार अमेठी में अपना कैंडिडेट देगी। अमेठी और रायबरेली को लेकर एक बात बिल्कुल साफ होती है कि वहां समाजवादी पार्टी चाहे गठबंधन हो ना हो, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को हमेशा से अपना समर्थन देती आई है। यानी कि सपा के वोटर्स यहां पर कांग्रेस को वोट देते रहे हैं और समाजवादी पार्टी जब समर्थन देती है तो सम्मान लिया जाता है कि सपा के वोटर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने पहले ही दबाव बना दिया। अखिलेश यादव ने दबाव कुछ यूं बनाया है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेठी का जिक्र कर दिया कि अमेठी में उनके कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हुई जब भी सपा ने उन्हें समर्थन दिया। यानी कि बीजेपी की सरकार आने के बाद भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अमेठी में उनके कार्यकर्ताओं पर केस मुकदमे उनके कार्यकर्ताओं के साथ को प्रताड़ित किया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी उनके कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नहीं हुई। ऐसे में पार्टी इस बार अमेठी चुनाव लड़ने की सोच रही है, यह एक बहुत बड़ा बयान है। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी को दबाव में लाने के लिए दे दिया है। यानी कि अगर सपा उस सीट पर चुनाव लड़ेगी तो राहुल गांधी के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होगा, और अगर राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना उनकी जरूरत और मजबूरी दोनों होगी। ऐसी स्थिति में इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच एक तनाव बन गया है। माना यह जा रहा था कि इस बार राहुल गांधी अमेठी से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। अभी पूरी तैयारी और पार्टी के भीतर का एक बड़ा खेमा चाहता है कि अमेठी से ही राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और इस बार राहुल गांधी की के तरफ से सीधे तो नहीं, लेकिन उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अमेठी तो इस बार राहुल गांधी लड़ेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे तो उसके पहले अखिलेश यादव ने ये चर्चा क्यों कर दी कि समाजवादी पार्टी भी अमेठी का चुनाव लड़ सकती है? तो क्या कहीं सपा इस पूरे अमेठी को लेकर कांग्रेस पार्टी पर दबाव तो नहीं बनाना चाहे? यही चर्चा इस वक्त सियासत में तैर रही है। हालांकि मोटे तौर पर यह समझ में आता है कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो आगे पीछे या जब वक्त आएगा तो समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन करेगी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को चिंतित करने के लिए काफी है। पहले आप सुन लीजिए क्या कहा था अखिलेश यादव। अभी मैं अमेठी होकर के आया था और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। तो हमारी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि अगर ये वोट चाहते हैं तो हमारी मदद करें, और हम वोट दे देते हैं तो ये हमारी मदद नहीं करते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को यहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। अमेठी को लेकर अखिलेश का बयान आपने सुन लिया, और एक और बात जान लीजिए कि इन दिनों स्मृति ईरानी के रिश्ते
या यूं कहें कि सियासत सियासी रिश्ते गायत्री प्रजापति और उनके परिवार से भी ठीक ठाक है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह से भी अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी और बीजेपी दोनों के रिश्ते नजदीकी हो चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के भीतर का एक बड़ा तबका माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी को साथ अमेठी में दे दे, और ऐसे में सपा कतई नहीं चाहती कि वो अपने संगठन को लूज कर जाए। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने एक बयान कांग्रेस पार्टी को लेकर दे दिया है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि अगर राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव लड़ना है तो उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना ही होगा। और सपा भी हमेशा इस बात को कहती रही है और मानती रही है कि अगर अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक उनके साथ खड़ा नहीं हो तो इन दोनों के लिए ये सीट निकालना मुश्किल हो जाए। अब देखना यह है कि इन दो सीटों और खास करके अमेठी की सीट को लेकर जो सियासत इस वक्त चली है, क्या वो आगे जाकर दोनों की दोस्ती में तब्दील होगी या फिर सियासी दुश्मनी। अब अगली खबर। और अब योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की तारीफ एक ऐसी जगह से आई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पा रहा। जी हां, पंजाब से। और पंजाब में किसने की है तो पंजाब में बलकौर सिंह है। बलकौर सिंह ने एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और तारीफ करते हुए ये कहा है कि अगर यहां योगी का शासन होता तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं होती, और अगर यही हालात रहे तो 2024 में लोग यहां योगी योगी करते नजर आएंगे। तो बलकौर सिंह को बता दें कि बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं और उन्होंने ये तारीफ, योगी आदित्यनाथ की तारीफ पंजाब में कर दी है और ये इस वक्त पंजाब में भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। सुनिए पंजाबी में ही जो भाषण है उसमें क्या कह रहे हैं बलकौर सिंह। ना आही सी भी ओ पुत मेरा सी, मेरी बैकग्राउंड नहीं सी वीरो, मैं एक साधारण फौजी सी गंडम, मैं बेड़ा पूरा करने वाला बंदा सी, उन्हें मेरे घरे जन्म ले लिया, काश वो किसी एमएलए मंत्री के घरे जमया होता, मरदा नहीं सी, मेरी औकात छोटी सी, इन्हों के हौसले पै गए मेरे घर तक वड़ गए, हाथ पा के देख हो किसी को, और सरकार साड़िया लिजड़िया करती है वो, असं अज योगी याद कर लग गए। मैं गरंटी करता लोग सभा इलैक्शन आएंगे तुम योगी इन्हों पर वोटा पाने लिए मजबूर हो जाओगे, तुम कहोगे यूपी साफ है तो सानू की हो गया, असं कि रस्तिया पै गए, फिर कहोगे मुकाबले होंगे है आ हो गया आ हो गया, मगरों गल कर रह जाए हूँ दसो जड़िया आ मौत हुई हैं इन्हों का की हल है। कला 302 का परचा गिरफ्तार कर लो, जेल भेजता जस्टिस हो गया, उठे जाके इंटरनेट मिलता है, लॉरेंस मिल जू, जगू मिल जू, जगू होर मिल जू, इन्हों का कड़ा एक ग्रुप है। तो भावुक हो जाना कई बार, मैं वध घट बोल जाना, सारे जिन्हें तुम दूरों नेड़े हो पहुंचे हो, खास करके मैं एस डी पी सी के प्रधान साहब धामी साहब मैनेजर साहब दमदमा साहब तलवंडी साहबों तो शायद रणवीर सिंह ने मैनेजर साहब सारे का धन्यवाद करता जिन्होंने सानू लंगर दियाँ और प्रबंध दिन सेवाओं के अपना भरना साथ दिता है। सारे आगू साहबान बख बख पार्टियों तो बख बख यूनियन तो बख बख जथेबंदियों तो सारे तुम आए हो, मेरे नाल हमदर्दी जताई है, तुहाडा सारे का तहे दिल धन्यवाद करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। तो ये था आज का यूपी, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।